brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. कैसे होना चाहिए? विदिशा की आवाम ने, विदिशा की जनता ने सिरमौर बनाया है, सरताज बनाया है नेताओं, लेकिन विदिशा को वो नहीं मिला जो विदिशा का विकास होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन जितना करना चाहिए था वो होना था, वो नहीं हुआ है। 5 बार के सांसद, इसके पहले 1 बार विधायक का भी लड़ चुके बुधनी से, और अभी 18 साल 17.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, विदिशा के एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, लेकिन उन्होंने विदिशा के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुधार हुआ है ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे मैं यूथ हूँ, यूथ के लिए मैं, हमारे जो एक्स-सीएम रहे हैं और आज के जो मतलब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मैं थोड़े तो यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी रोजगार का जो सबसे मेन मुद्दा है उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। मैं तो यहाँ से, जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री हटे, पहले सांसद भी रहे वो, लेकिन उन्होंने विदिशा की ओर कभी पलट के नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपना विकास कराया, किसी का नहीं करा। हम इस वक्त मौजूद हैं विदिशा रायसेन लोकसभा संसदीय क्षेत्र के विदिशा मुख्यालय पर। विदिशा लोकसभा सीट एक वीवीआईपी सीट है, पूरे देश की नजर इस सीट पर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से यहाँ से प्रत्याशी हैं। हमारे बीच में आम लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि नए जो सांसद बनेंगे, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं उनसे, कैसा हो आपका सांसद बताइए आप। विदिशा के सांसद से यही अपेक्षाएं हैं कि यहाँ पर जो एक बेरोजगारी की समस्या है, उद्योग वगैरह स्थापित होना चाहिए, वो मूलभूत सुविधाओं का यहाँ अभाव देखा गया है, और बहुत लंबे समय के बाद अगर वो पूर्ति होती है तो हमारे नौजवान बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे, और सड़कों की भी अभी हालात कुछ ठीक नहीं है, अगर ये सुधर जाएंगे तो निश्चित तौर से विदिशा में एक विकास की गंगा बहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी विदिशा की हालत है, आप बता रहे हैं रोडों की हालत बड़ी बदतर है। विदिशा में जरूरत तो हमेशा जो है रहती है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी सांसद हो, सबकी अपने अपने दायरे सीमित होते हैं, और इन दायरों में रहकर उन्होंने जो काम किए होंगे, लेकिन अब नित नए आवश्यकताएं बढ़ती हैं जनसंख्या बढ़ने के साथ, मैं मानता हूं कि वो आगे आके उनको काम करेंगे। आप क्या कहते हैं आने वाले जो सांसद हैं जो होंगे आपके विदिशा लोकसभा से, क्या मांग है आपकी, मतलब कैसे होना चाहिए? विदिशा की आवाम ने, विदिशा की जनता ने सिरमौर बनाया है, सरताज बनाया है नेताओं, लेकिन विदिशा को वो नहीं मिला जो विदिशा का विकास होना चाहिए। मैं नहीं मानता विदिशा का विकास कोई नेता कर पाया है। आप बताइए, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, लोगों का कहना है कि भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन जितना करना चाहिए था वो होना था, वो नहीं हुआ है। 5 बार के सांसद, इसके पहले 1 बार विधायक का भी लड़ चुके बुधनी से, और अभी 18 साल 17.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, विदिशा के एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, लेकिन उन्होंने विदिशा के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो सुषमा स्वराज और राघव जी की देन है, और जहाँ तक गुलाबगंज वाला रोड है बासोदा तक, वो भी सुषमा स्वराज ने दिया है। शिवराज जी ने जितना करना चाहिए तो तक किया नहीं, वो कहते थे मैं तो घर का हूँ, मुट्ठी बड़ी कर दूंगा, मुट्ठी उन्होंने बड़ी की नहीं है, यहाँ पट्टी उत्ती रखी जितनी रखना चाहिए थी, और जगह के मुकाबले विदिशा के लिए उन्होंने ज्यादा विकास नहीं करा। बुधनी में देख के आवा, बुधनी कितना चमन कर दिया, उन्हीं किसी लोकसभा क्षेत्र में शिवराज जी 5 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, और 2,61,000 से आखिरी चुनाव 2004 के जीते थे नरेंद्र प्रसाद शर्मा के खिलाफ। अब मैं जहाँ तक सवाल, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट, कांग्रेस बिल्कुल ठीक है, आज बहुत कमजोर स्थिति में है पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ऊपर चरम पे है, हम 400 लेकर चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने देश के लिए नहीं, पूरे विश्व में उन्हें अपना नाम कमाया, लेकिन शिवराज जी क्यों घबरा रहे हैं जब वो इतने लोकप्रिय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनका वर्चस्व है, और स्टार प्रचारक हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 14 साल सांसद रहे, विदिशा में तो उन्हें फार्म भर के चले जाना था, दूसरी जगह जाना था, लेकिन देखा जा रहा है शिवराज जी हम और उनके पूरा परिवार यही है, घर घर जाकर वो लोग संपर्क कर रहे हैं। देखिए, वो तो उनका काम है, करना है, उन्हें चुनाव जीतना है, आप लोग सोच रहे हैं बहुत लंबी मुझसे मार्जिन से जीतूंगा मैं और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति दिखते रही है, तो सामने वाला प्रतिद्वंदी भी कम नहीं है, प्रताप भानु शर्मा यहाँ से 5 चुनाव लोकसभा के लड़ चुके, एक विधानसभा उदयपुरा भी लड़ा उन्होंने, उनका भी जाना माना क्षेत्र, ठीक है 33 साल बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी उनकी छवि भी साफ है, और शिवराज जी को भी पसीना आ रहा है चुनाव लड़ने में, निश्चित रूप से शिवराज सिंह जीत रहे हैं नो डाउट, लेकिन जो मार्जिन लेकर चल रहे थे कुछ, मेरा अंदाज ऐसा है 19,44,000 मतदाताओं में अब जो मतदान होगा वो कुल 60% से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि गर्मी चरम पर होगी,
7 मई तक गर्मी मुझे मतलब 45 डिग्री होगी। अभी जो 2 चरणों में जो परिणाम आए हैं वो करीब 60% से नीचे आए, तो परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अगर 60% मतदान होगा तो 12 लाख मतदाता वोट डालेंगे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब हम बहुत बड़ी लीड लेंगे, कहाँ से लेंगे? क्या 12 लाख पूरे वोट ले लेंगे क्या? मैं एक सवाल करता हूँ, आप क्या कहते हैं? निश्चित तौर से ऐसा नहीं है। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री रहे, विदिशा का विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज का नया हॉस्पिटल बना, चारों तरफ रिंग रोड्स बने, पानी की सुविधा सुगम हुई है और पानी घर घर में एक तरह से पहुंचा, जो पानी की किल्लत आज से 3-4 साल पहले हुआ करती थी। रोडों का विकास भी हुआ है, रोड भी बनी है, क्योंकि अब रोड बनती हैं तो खड़ती हैं, निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगी। और मेरा ये मानना है कि नए सांसद के रूप में प्राथमिकता उनको एक भारी उद्योग की, बाकी में एक कमी है यहाँ पर, क्योंकि रोजगार के अवसर, क्योंकि यहाँ कृषि के अलावा वर्तमान में कुछ नहीं है। तो हम सबकी ये मांग रहेगी कि हमारा नया सांसद है एक भारी उद्योग यहाँ पर दे, जिससे कि कुछ 2-5 हजार युवाओं को, बड़ा उद्योग हो जिसमें 2-5 हजार युवाओं को हमारे यहाँ रोजगार मिल सके। साथ ही साथ वो सांसद हमेशा हमारे बीच में रहें, 1 महीने 15 दिन में यहाँ आए, जो समस्याएं उनको डायरेक्ट सुने, जिससे कि उनकी खुद की नज़र यहाँ बनी रहे, क्योंकि जब नज़र बनी रहती है तो काम होते हैं, दिखते हैं, काम होते हैं, निश्चित तौर से अच्छी विजय होगी। वोटिंग परसेंटेज के ऊपर निश्चित तौर से भाई साहब ने कहा, वोटिंग परसेंटेज में एक जो थोड़ी इस बार उदासीनता दिख रही है, उसको कार्यकर्ताओं को हम मिलकर उसको बढ़ाएंगे, वोटिंग परसेंट निश्चित तौर से हम आगे ले जाएंगे। होगा होना ये सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी सीट से 5 बार सांसद रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री रह गए, उसके बाद भी विदिशा की जनता का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से दूर है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मूलभूत सुविधा ऐसा नहीं है, मूलभूत सुविधा में वाकई काम हुआ है। कोरोना के समय देखो, आप कोई भी बात हो, नोएडा से हो चाहे अशोकनगर से हो, पूरे भारत से मेडिकल कॉलेज की वजह से यहाँ पर मरीज आए और उनका इलाज हुआ, काफी लोग मरीज बने, बड़ी उपलब्धि थी कोरोना काल में, क्योंकि लोगों को बेड ही नहीं मिल रहे थे, तो काम तो हुआ है। काम मूलभूत सुविधाएं में, सड़क पानी होता है तो पानी की व्यवस्था है, आज जो दूर गांव इलाके थे, बंटी नगर, इंद्रप्रस्थ, अहमदपुर रोड हो, चारों तरफ पानी फैला है, 6 नई टंकी की योजना है, तो उससे और जो भी दूर है, तो विकास तो हुआ है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि 70 साल और 20 साल में फर्क है। पिछले 70 साल में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो वो 70 साल में जो नहीं कर पाए, जो 18-20 साल में इस विदिशा शहर में हुआ है। आप बताइए क्या चाहते हैं अब आप विदिशा के सांसद? मैं विदिशा के सांसद जी से ये चाहता हूँ आने वाले से, कि जो विदिशा में बेरोजगारी है, सबसे पहले चीज तो युवा लोगों को रोजगार मिले। आज बेरोजगार बहुत लोग कर रहे हैं और विदिशा में बक्तेली में काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। आप चारों तरफ उठा के देख सकते हैं, रिंग रोड हुआ, आपका ढोलगढ़ी वाला एरिया, ये पूरा एरिया बढ़े, ने काम तो करा विदिशा के लिए और आगे तभी काम करेंगे। आप बताइए आप क्या कहते हैं? मेरा यही मानना है कि एक नॉर्मल परिवार रहता है, घर बनाता है अपना, धीरे 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 करके उसकी सुविधाएं जो रहती हैं वो धीरे धीरे करके जानता है। ठीक है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा मध्य प्रदेश, करीबन 7 से 8 करोड़ जनसंख्या है, धीरे धीरे करके सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे मैं यूथ हूँ, यूथ के लिए मैं, हमारे जो XCM रहे हैं और आज के जो मतलब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मैं थोड़ी तो यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी रोजगार का जो सबसे मेन मुद्दा है उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। हाँ, और साथ में युवाओं को और नए नए जो एक्सट्रीम रहते हैं बढ़ने के, आगे बढ़ने के, उसमें थोड़ा मतलब सुधार। आप क्या कहते हैं बताइए? मैं तो यहाँ से, जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री हटे, पहले सांसद भी रहे वो, लेकिन उन्होंने विदिशा की ओर कभी पलट के नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपना विकास कराया, किसी का नहीं करा। यहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए भी बोला था कि हम आय दोगुनी करेंगे, 2700 रुपए देंगे, बहनों के लिए भी बोला था उन्होंने कि हम 3000 रुपए देंगे, ना तो उन्होंने वो करा, क्योंकि इनका काम रहता है झूठ बोलना और इसके बाद में चुनाव जीतने के बाद ये दोबारा यहाँ पलट के नहीं देखते। तो युवाओं के लिए रोजगार, यहाँ कुछ नहीं है, किसान यहाँ परेशान रहता है। विदिशा की स्थिति ये है कि आप देखोगे कि रोडों की हालत ये पड़ी हुई कि अभी किसान मंडी लेके आता है ना, तो उसको 10 बार खड़े होना पड़ता है और 4-4 बार जाम लगता है उसके लिए। तो हम यहाँ चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार मिले और किसानों के लिए उचित दाम मिले। 5 बार शिवराज जी इस सीट से सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी यहाँ पर रोड नहीं है, आपका कहना है? यही है ना, यही बता रहा हूँ ना मैं आपको कि यहाँ करने के बाद यहाँ की जनता ठगा महसूस करती है, यहाँ की जनता ठगा महसूस करती है। और भी यहाँ पर हमारे साथ आम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप युवा हैं, युवाओं के लिए भाजपा बड़ी योजना निकाल रही है, कोई आप क्या चाहते हैं? मेरे को तो आज तक युवा आज भी रोजगार ढूंढ रहा है, कहीं पर रोजगार मिल जाए,
जैसे भैया ने कहा अभी विधायकी के चुनाव हुए थे, समर्थन मूल्य रखा उन्होंने कितना 2700, आप जाके पता कर सकते हैं कितने में गेहूं तोला। सख्त आदेश दिए कि साबत गेहूं के अलावा गंदा गेहूं बिल्कुल नहीं तोलेगा। कटाई कौन कर रहा, मशीन कर रही है, गेहूं लेके आया है तो गेहूं तो कैसा भी हो तोलना पड़ेगा, लेकिन समर्थन मूल्य पे उस पर नहीं तोल रहा है, 2200 रुपए समर्थन मूल्य पे तोल रहा है। अभी ये दावा कर रहा है कि हमारी 400 की 400 सीटें आने वाली हैं। आप किसी भी भाजपा दावा कर रही है 400 सीटों का, आप मुझे बताइए भाजपा का कोई भी नेता या भाजपा ने आज तक क्लेरिफिकेशन दिया या किसी भी जांच कार्यकर्ता ने पुलवामा हमला में 400 केजी आईडीएक्स कहां से आया और वहां के कैसे फूट गया, आज तक कोई बता पाया? नहीं बता। लेकिन इनको ये पता है इस बार 400 आ रही है हमारी, लेकिन उस 400 का नहीं पता वो 400 कैसे आईडीएक्स आया और वहां कैसे फूटा। तो आपका कहना है युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं, मैं खुद रोजगार की तलाश में हूँ, किसी भी रोज जाके पूछ लो, हर आदमी रोजगार ढूंढ रहा है। आप विदिशा की सड़कों का सर्वे करो, ग्रह था उनका तो कहते थे घर है विदिशा मेरा, फिर जाके सड़कें देखो। अभी कुछ टाइम पहले बाइक ली थी मैंने, आप बाइक की हालत देखोगे बोलोगे 10-15 साल पुरानी है, अभी 2 साल हुए हैं बाइक को चलते चलते। ये हालात है विदिशा के, कहां से गृह जिले बनाना चाहते हैं? लोगों का कहना स्मार्ट देश बनाना चाहते थे ना, ये स्मार्ट देश, आप देश की हालत देख सकते हो क्या हो रही है, वो ना स्मार्ट पहले घर बनाया इन्होंने, ना शहर को बना पा रहा है ना देश को बना, कुछ नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? पूरा फर्जीवाड़ा है। बात करते हैं शिवराज जी पेरिस में जाके कि हमारे विदिशा की सड़कें, मध्य प्रदेश सड़कें पेरिस से भी अच्छी है, सड़कें देखिए आप, आइए तो सही, सड़कें अच्छी हो सकती है उनकी। डेयरी के पास डेयरी बना रखी उन्होंने विदिशा के पास, वहाँ डेयरी है, वहाँ सड़कें बहुत अच्छी बनाई हुई है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, साथ पेरिस से हम तो पेरिस गए नहीं कभी। दूसरी बात, आज एक न्यूज चैनल में देख रहा था मैं, मोदी जी ने एक प्रोपेगंडा एजेंडा दिया है अपने चुनाव के लिए कि देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे हम। आज मध्य प्रदेश केवल सड़क बिजली पानी रोजगार के लिए जूझ रहा, आप अर्थव्यवस्था कहां से बना लोग देश की तीसरी? आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हो विश्व की, भारत को, और आज का युवा रोजगार के लिए परेशान हो रहा है, सड़क है नहीं है, पानी है नहीं है, किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, फर्जीवाड़े होते जा रहे हैं। व्यापम घोटा ले लो आप, नरसिंह का घोटा ले लो आप, मेडिकल घोटा ले लो आप, विकास हो रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी का, लोकतंत्र का नाश हो रहा है पूरा, जबरन दूसरी विपक्ष की पार्टियों को डरा डरा धमका धमका के उनको बिठाया जा रहा है कि आप चुनाव में लड़ो, लड़ोगे तो आपके ऊपर हम ये करवा देंगे। विदिशा में, विदिशा से विधायक थे शशांक भार्गव जी, उनको डरा धमका के उनके काम करवा कर रुके, वो वेयर हाउस बंद करवा कर उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया। कैसे लोकतंत्र बचेगा? ये चुनाव थोड़ी हो रहा है, ये मनमानी तानाशाही हो रही है, ये तो चुनाव नहीं कहेंगे, ये जनता का चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है। यहाँ पे आप जनता के साथ भी यही होने वाला है, आप हमें वोट नहीं देंगे, हम आपका घर नहीं चलने देंगे, इसलिए ये लोकतंत्र ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? विदिशा की और भी कई समस्या है, जैसे हमारी जीवन दायिनी कलयुग की गंगा माँ बैत्रवती, आज बिल्कुल हरी, जो जैसे अपन यहाँ घास देख रहे हैं ना, स्काई के रूप में जलकुंभी इसमें इतनी है कि उसके पानी में बदबू आती है, लोग नहा नहीं पा रहे हैं। जरूरत है विदिशा में कि बैतवा और नर्मदा का संगम हो, और भी जैसे विदिशा में एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, SETI इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी कई तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, वहाँ ग्रांट की समस्याएं हैं और भी कई तरीके की समस्याएं हैं वहाँ पर। और अगर देखा जाए तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार करने की और आवश्यकता है, जो विदिशा में SETI तीसरे नंबर पर था, आज वो कहीं ना कहीं 20 नंबर से ऊपर पहुँच गया। तो विदिशा की जो एक मूलभूत धरोहर हैं उनके लिए भी अभी मतलब सहेजने की आवश्यकता है कि जो भी सांसद यहाँ से बनेंगे वो हमारी विदिशा की धरोहरों को सहेजने का काम करें। मूल रूप से हमारी जो कलयुग की गंगा है, हमारे जीवन का आधार है यहाँ विदिशा की, जिसमें हम लोग पले बड़े हैं, वो आज जब काई के रूप में वहाँ पे उस पर ग्रीन चादर, ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट के मैदान जैसी दिखाई देती है, वो एक बिल्कुल दिल को बहुत पीड़ा देती है। तो उसमें जरूरी है कि वहाँ नर्मदा जी का संगम हो और वो कल कल बहती रहे। मकोड़िया डैम की लोग मांग कर रहे हैं, आज तक मकोड़िया डैम की मांग पूरी नहीं हुई, शिवराज जी के टाइम से मकोड़िया डैम की किसान मांग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके कुछ लोग खास हैं जो मंत्री पद पे रहे, उन लोगों की जमीनें जा रही, इसलिए मकोड़िया बांध नहीं बन रहा, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं इसमें। तो आप लोगों का कहना है कि 5 बार रहे सांसद शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, खुद का बकायदा करा है, मारू राज से आज विकसित राज बनाया, तो ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं है, हमने बहुत करे, खुद देखा है हमारे घर के पास, घर के पहले फर्शियां बिछी हुई थी, ऐसा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम किया है, शून्य से बहुत आगे तक कराया मध्य प्रदेश को, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है।
ये कह रहे हैं इनके घर के बाहर फर्सी बिछी हुई थी, अब नली खोदी हुई है, रोड डलता है, नली खुलती है, फिर पाप याद आता है पाइपलाइन बिछनी है, फिर उसके बाद रोड डलता है। सरकार का एक स्लोगन बन सकता है इस चीज का। 1967 से लेकर आज तक की सीट पर कांग्रेस ने सिर्फ दो ही बार अपनी जीत दर्ज की है, उसके बाद भाजपा लगातार जीतती आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लड़े, उसके बाद वो लखनऊ चले गए इस सीट को छोड़कर, उसके बाद सुषमा स्वराज इस सीट से लड़ी और दो बार सांसद रही, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान 5 बार लगातार यहां से सांसद रहे। विदिशा सीट एक वीवीआईपी सीटों में आती है, पूरे देश की नजर इस सीट पर है। इसके बाद फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाया है, जो कि इस विदिशा रायसेन लोकसभा संसदीय सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का मत आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में होगा या कांग्रेस के पक्ष में होगा। विदिशा से राहुल के साथ विवेक सिंह ठाकुर, MP तक के लिए।